फिर एक ही जगह पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए, एक ही जगह पे कितना है 5, तो 5 का होल क्यूब कितना होता है 125, 125 माइनस 15, वैल्यू कितनी आ गई 110, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है चलो, सेकेंड का सर √29। सेकेंड का √29 किसने जवाब दिया, नाम बताओ। सागर। सागर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है हमें, मैंने आपको बताया था कि x प्लस 1/x निकालना है, तो हम क्या करते हैं बोलो, अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2, इतना ही करना होता है, अंडर रूट ऑफ 27 प्लस 2, मैंने करा भी रखा है, जो लोग नहीं जान रहे हो वीडियोस देख लीजिएगा आप लोग, √29 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 31 है, तो आपसे पूछा है फाइंड एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, ये पूछा गया आपसे, बोलो बोलो। ये भी करा, √29। ये भी वही आएगा, इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है अंडर रूट ऑफ ए माइनस 2 कर देना है, यानी अंडर रूट ऑफ, मैंने लास्ट टाइम करा भी रखा था, सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि रिकैप हो जाए, √29 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक प्रॉब्लम है कुछ नहीं ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एक्स के पावर 4 प्लस एक्स 1/x के पावर 4 की वैल्यू 23 दी गई है, तो फाइंड एक्स प्लस 1/x, ये क्वेश्चन मैंने कराया था या नहीं कराया था बताओ तो जल्दी, कराया था ना कि नहीं कराया था, बोलो जल्दी से। बोलो कराया था या नहीं कराया था, नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं कराया था, तो ठीक है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 30 से। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो टाइप नंबर 30 पे ध्यान दीजिएगा, या पैटर्न 30 या फॉर्मूला नंबर 30। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दिया है, इफ़ एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 23, फाइंड एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या हुई, ये आपसे पूछा गया। मुझे बताओ कि पहले मुझे एक्स के पावर 4 को मुझे एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, फिर एक्स स्क्वायर के फॉर्म से कहाँ जाना पड़ेगा, एक्स के फॉर्म में। ठीक है, यस और नो बोलो, है कि नहीं, है ना, बोलो। चलो सॉल्व करें इसको, हाँ जी करें सॉल्व, बोलो। तो देखते हैं अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या जोड़ दूँ, टू ऑन बोथ साइड्स, अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, एक्स के पावर 4 प्लस, लेकिन सिर्फ 2 जोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या, चल जाएगा, यस और नो, चलेगा ना। देखो कैसे, एक्स के पावर 4 प्लस 2, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, और इधर भी राइट साइड में भी 2 ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो, इसको लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा बोलो, कट जाएगा ये तो फाइनली, है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, बोलो हुआ या नहीं हुआ, हाँ जी हुआ ना कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है एक्स के पावर 4, 1/x² का होल स्क्वायर होता है 1/x⁴, प्लस 2 एक जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है 1/x², तो ये हो गया 23 प्लस 2 25। चलो अगर मैं पूछूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²
है ना, अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। अंडर रूट ऑफ 25 करना होगा, यस और नो बोलो। तो क्या आ जाएगा, 5। क्या ये बात समझ में आया सबको, यस और नो? हाँ जी बोलो, ये बात समझ में आया सबको, यस और नो? अरे बोलो, समझ आया कि नहीं? अगेन, अभी मुझे एक्स स्क्वायर से एक्स पे जाना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा हमें, इसको परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, अगेन आवाज़ आ रही है सबको कि नहीं आ रही है बोलो? हाँ जी, क्या वो आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है भाई सागर? आ रही है सर। तो बोलो ना, कोई एक आदमी जवाब दिया करो ना मेरे साथ, पता चलता है नेटवर्क चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, तो एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हम वापस से टू जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू। बट टू जोड़ने का मतलब सिर्फ टू नहीं जोड़ना है, एक्स और 1/x भी जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, 5 + 2। क्या ये बात समझ में आया, यस और नो? तो ये कैसा फॉर्म बन गया, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ बोलो जल्दी से? तो मुझे बताओ, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 7, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, यस और नो? आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्लियर है सबको? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म की बात करूं, किसकी बात करते हैं, जनरल फॉर्म का, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो हमें ये बात समझना होगा कि इफ़ एक्स के पावर 4 + 1/x^4 की वैल्यू ए है, देन एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो पहले बार में आपने क्या किया था, टू जोड़ा था बोलो, यस और नो? अरे जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, जल्दी से बताओ। जोड़ा था, यस और नो? जोड़ने से क्या हो यस गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, यानी कहीं ना कहीं आपने ए प्लस टू किया, ये बात तो सच है जी, ये बात तो सच है। फिर आपने इसको क्या कर दिया था, रूट कर दिया था, तो ये 25 बन गया था, और अंडर रूट में चल के 5 बन गया था। फिर आपने ये 5 बनाने के बाद, 5 बनाने के बाद क्या किया आपने, 5 ही बन गया रूट बनने के बाद, और फिर 2 जोड़ दिया था, यस और नो जल्दी से बताओ? मुझे बताओ, ये जो 7 आया है, और बाद में क्या किया था, इसका पूरा अंडर रूट कर दिया था। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आया था बोलो? हाँ जी, आया कि नहीं आया? अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो। देखो, सपोज मैं अंडर रूट ऑफ ए प्लस टू करूँ, तो ए प्लस टू कितना आएगा, 23 + 2, और बाहर में 2 कर दो, और उसके बाद अंडर रूट में डाल दो, तो देखो कितना होता है, अंडर रूट 23 + 2 कितना हो गया, 5 + 2, आया ना रूट 7 बोलो? आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, आया ना, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है सबको? तो ये मेरा जनरल फॉर्म एक फॉर्मूला के तरफ हमारा डिराइव हो गया। समझ में आई बात सबको, यस और नो? यानी एक बात समझ में आया कि इफ एक्स के पावर 4 + 1/x^4 की वैल्यू अगर ए है तो क्या होगा, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ ए प्लस टू ब्रैकेट के अंदर, और प्लस टू, और फिर उसका होल ब्रैकेट। क्या ये बात समझ में आया सबको, यस और नो जल्दी से बताओ? हाँ जी, यस सर। समझ में आया ना? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट देके आगे बढ़ते हैं। देखो, मिटा दूं इसको,
हाँ जी, मिटा दूँ? एक बोलिए। मिनट सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे हाँ सर, हो गया। पूछता हूँ। मैं आपसे, मुझे बताइए, क्वेश्चन दिया है, अगर यहाँ पे 23 के जगह पे है, 23 के जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 34, तो मुझे बताओ x प्लस 1 बाय x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताओ, फटाक से, एक 3 सेकंड में आंसर दो। बोलो। रूट रूट 8। कैसे? कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ऑफ 34 + 2 करना है, बाहर में 2 रहेगा और उसका अंडर रूट फूल करना है। यानी ये तो आ गया 6 + 2 का रूट कितना आ गया? रूट 8। रूट 8 का मतलब क्या होता है? 2√2। सही बात है। चलो एक क्वेश्चन और इसी पे देता हूँ मैं आपसे, बताइए मुझे, अगर मैं दूँ इफ एक्स के पावर 4 + 1 बाई एक्स के पावर 4 की वैल्यू 47 है, क्या है? 47, तो मुझे बताओ x + 1 बाई x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताओ, 5 सेकंड में, जल्दी से। रूट 9 रूट 9 की? थ्री और रूट ठीक रूट 9 बोलोगे? है। रूट 3। थ्री 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 हाँ फिर आ जाए फटाक से, 5 सेकंड में आंसर होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये रिजल्ट याद रहेगा तभी हो पाएगा बाबू, अगर रिजल्ट याद नहीं रहा ना तो फिर एग्जाम में मामला हो जाएगा खराब। समझ में आ रही है बात? तो 47 के लिए क्या किया है ना, 47 के लिए क्या किया? 47 + 2 और इसका अंडर रूट होल 2। तो आप देखो ये अंडर रूट में क्या आ गया, 7 + 2, अंडर रूट ऑफ 9 क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। बट ये रिजल्ट याद रहेगा, देखो ये सारे रिसर्च मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये सारा चीज़ डेरिवेशन में तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिशियन जो करते हैं, ये सारे डेरिवेशन मैं जनरल फॉर्म में मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने, समझ में आ रही कि नहीं है बात? ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, तो जैसे सुपर 30 में अनंत कुमार जी करते हैं ना, समझ में आ रही बात? हाँ भाई, नाम सुने हो? तो वैसे ही सारा डेरिवेशन तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ मैं, इसका जनरल फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, ट्रिक फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़े, ये सुनो, बोलो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना, देखो क्वेश्चन दिया आपको टाइप 31 या फिर फॉर्मूला नंबर 31, जो आप कहना चाहो, ठीक है। इफ़ एक्स के पावर 4 + 1 बाय एक्स के पावर 4 की वैल्यू 194 है, फाइंड x³ + 1 बाय x³। चलो बोलो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इसका यूज करके आप x + 1 बाय x की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ। हाँ जी, इसका यूज करके x + 1 बाय x की वैल्यू निकाल सकते हो? अभी निकाला था अभी हम लोगों ने, x + 1 बाय x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये a होता तो हम क्या करते, पूरे कंप्लीट अंडर रूट में a + 2 करते और बाद में 2 करते, यस और नो? x + 1 बाय x की वैल्यू आ जाती, यस और नो? बताओ जल्दी से। तो करके देखते हैं, देखो ये 194 + 2, समझ में आ रहा है? +2, देखो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 196 + 2। तो देखो अंडर रूट ऑफ 196 कितना होता है, 14 होता है, 14 + 2, तो ये कितना आ गया, 16, तो ये कितना आ गया, 4। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया जी,
कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मुझे बताओ एक्स प्लस क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा? अगर ये वापस मान लो ये b है तो क्या होगा, बी क्यूब माइनस 3b, यस और नो? भाई a रहता तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3a करते थे ना, तो बी क्यूब माइनस 3b यानी 4 का होल क्यूब माइनस 3 × 4। 4 का होल क्यूब कितना होता है, 64 माइनस कितना 12, तो कितना आ गया 52। और यही इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आया बात कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ जी समझ में आया, बोलो। अरे बोलो ना, क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें पता था कि अगर इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू के होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k या ए क्यूब माइनस 3a करते थे ना, यस और नो? भूल गया क्या, याद है कि नहीं? बोलो जल्दी, क्लियर है? ठीक है, समझ आया बात? बोलो। ये तो अभी डिराइव किया था पहले, जस्ट 10 सेकंड पहले किया था कि नहीं किया था, बोलो। हाँ जी, सो गए हो क्या तुम लोग? जाग जाओ भाई, क्या बात है। प्रथमेश, यस, वैभव, सागर, समझ में आ रहा है? यस यस सर। ठीक है ना, तो जवाब दिया करो भाई, जब समझ में आ जाए तो बता दो ताकि अपन आगे बढ़े, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दूं इसको। अच्छा ये वाला याद है ना सबको कि भूल गए हो? याद है ना? प्रथमेश याद है, बताया था, यस ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। चलिए 32, पॉइंट नंबर 32 की तरफ चलते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपसे पूछा गया है, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 5 है, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो समझ में आ रही बात, कैसे करेंगे सॉल्व इसको बताओ। देखो अगर जब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछा गया, इसका मतलब तो यही है ना, एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स पूछा गया है, यस और नो? ये मैंने कराया भी है आपको, कराया है ना? बोलो। अब ये तो आपका गिवेन है, ये आपका दिया हुआ है ना, बोलो जल्दी से, किसके बराबर है? 5 के बराबर। ये वाला अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यस और नो? अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मिल जाए तो क्या हमारा काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ, होगा ना? बोलो। तो देखो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? फिर हम इसका जनरल फॉर्म आपको बताते हैं, वैसे मैं ऑलरेडी बताया हूँ, इसे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ठीक है? देखिएगा कि एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या है, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 5 दी गई है, यस और नो? तो मुझे बताओ अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25।
तो इसका मतलब क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 25 - 2 इक्वल टू कितना, 23। ठीक है, ये सुनो, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई। वैसे भी मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता था a² - 2, तो भी चल जाता, तो 23 आ गया। अब मुझे बताओ, इसको मुझे कन्वर्ट करना है x - 1/x के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, -2 बोथ साइड्स करेंगे, x² + 1/x² अगर मैं -2 इधर कर दूं तो इधर भी करना पड़ेगा, यस और नो, बोलो इससे फ़ायदा क्या होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1/x² -2 × x × 1/x सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, हाँ जी, यस और नो, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 21। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या आ गया, x - 1/x² = 21। तो इसका मतलब x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताइए जल्दी, √21 आया कि नहीं आया, बोलो, हाँ जी आया कि नहीं आया, बोलो, यस और नो, हाँ जी। तो आई होप आंसर आ चुका है हमारा, आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये तो वैल्यू हमें कितना दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5 है ना, है ना, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, 5। और x - 1/x की वैल्यू कितनी आई, बोलो कितना आया, √21। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है सबको, यस सर नो, जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ जल्दी से, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है तो बताओ, बोलो। ठीक है, तो अगर इसका मुझे जनरल फॉर्म लिखना होता, हालांकि मुझे लगता है ये मैंने आपको करा चुका हूँ मैं, बट फिर भी अगर इसका मुझे जनरल फॉर्म लिखना होता तो हम कैसे लिखते, अगर मुझे इसका जनरल फॉर्म लिखना होता तो हम क्या लिखते। देखो इसको छोटा थोड़ा छोटा कर देते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो इफ x + 1/x की वैल्यू a है, क्या है a, तो मुझे बताओ x² - 1/x² की वैल्यू कितनी आती, बोलो x + 1/x यानी a, और x - 1/x करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, मुझे बताओ क्या करना पड़ा था, बताओ जल्दी क्या करना पड़ा था, पहली बात हमें रूट लेना पड़ा था, यस और नो, और फिर क्या करना पड़ा था, अगर मेरे पास क्या वैल्यू था, ए स्क्वायर करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था, बताओ जल्दी से, हाँ जी करना पड़ा था, यस और नो, a² - 2 करना पड़ा था कि नहीं पड़ा था, जल्दी से बताओ, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि देखने में आपको सुविधा हो, a में लिख देता हूँ और अंडर रूट में, क्या मुझे a² - 2 करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था, बोलो, यानी 5 का स्क्वायर किए थे, -2 किए थे, तो 23 आया था, लेकिन 23 आने के बाद मुझे 2 और घटाना पड़ा था, यस और नो, बोलो जल्दी से बोलो, हाँ जी, नहीं नहीं बोलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा फिर, तो 25 में 2 घटा दिया तो कितना आ गया था हमारा, 23 आ गया था, यहाँ तक तो हमने किया था, और उसके बाद क्या किया, 2 बाद में भी घटा दिया तो 21 आ गया, और फिर ब्रैकेट में रूट डाल दिया तो कितना आ गया, बोलो क्या आ गया, √21, और a से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 5 हमारा बाहर रह गया था, तो यानी a, यानी ये मेरा बन गया जनरल। देखो मैं रिसर्च की बातें आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप भी चल के अच्छे
स्टूडेंट मैथमेटिक्स के बन पाओ। ठीक है, तो ये मेरा जनरल फॉर्म बन गया। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, कोई तकलीफ़ है तो बताओ जल्दी से, कोई तकलीफ़ है, यस और नो? चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताइए ना। अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, पहले इसके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ फिर मुझे बताइए आप। ये तो भेज दिया ना स्क्रीनशॉट, तो पता नहीं भेजा था ना स्क्रीनशॉट, तो नहीं ये वाला नहीं भेजा था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7 √45। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, फिर 7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा, और फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, 2। तो 7 लेंगे तो ये क्या 49 − 2, 49 − 2 − 2, यही हुआ ना मोटा मोटी, ये सोनो? तो 49 − 4 कितना होता है? तो टेक्निकली मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था ये a² − 4, मैं लिखूँगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 49 − 4 तो ये कितना आ गया, 7 √45, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, a√ a² − 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं ना? ठीक है, यस। तो डायरेक्ट ही देखो, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड में आएगा क्वेश्चन। 5 है तो 5 का² − 4, 5 का² − 4 21, 5 √21 आंसर। 7 है तो 7, 7 का² − 4 7 √45। देखा कितना जल्दी आया, 5 सेकंड में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है बात? दिस रिजल्ट यू मस्ट रिमेंबर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सो यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। तो लिख करके A4 साइज करके दीवार में चिपका देना ईमानदारी से, ब्रश करते खाते पीते एकदम फॉर्मूला आँख के नज़र में आना चाहिए। ठीक है कि नहीं समझ में आ रही है बात, बताओ जल्दी से, आ रहा है ना? ठीक है, ठीक, ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं पूछूं x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो x² − 1 / x² की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। x² − 1 / x² की वैल्यू क्या आएगी? इफ़ x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो x² − 1 / x² की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट आ गया आंसर। आई होप कोई तकलीफ नहीं है किसी को, बढ़िया चल रहा है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आगे चले। यस सर। ठीक, 33 नंबर देखते हैं। ठीक है, 33 नंबर। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। दिया है देखो, अभी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, बस आपको फटाफट जवाब देना है। इफ x² + 1 / x² इज इक्वल टू 322, ठीक है, फाइंड x³ − 1 / x³, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलो मुझे बताओ, आप ना बना सकते हो इसकी आंसर, बता सकते हो आप, यस और नो? इसके ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ आपको, देखिए इसके ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 78, ऑप्शन नंबर बी है 81,
ऑप्शन सी है आपका 76, ऑप्शन डी है आपका 82। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। एक्स के पावर 4 + 1 बाय एक्स के पावर 4 दिया जाए तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये मैंने अभी आपको बताया है। थोड़ा फोटोग्राफ दिखा देता हूँ आपको। देखो है ना, इसका इस्तेमाल करना है आपको। अब यहाँ पे क्या करते थे, बी क्यूब माइनस 3 बी करते थे, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, बी क्यूब प्लस 3 बी करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अंडर रूट ऑफ ए प्लस टू उसका होल रूट, ये कर दिया और इस एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब चाहिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी ये करना होगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है। म्यूट कर लो जिसका आवाज़ डिस्टरबेंस आ रही है, जिसके साइड से अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ भाई, क्या आंसर आया बाकी लोग का? कर रहे हो ट्राई प्रथमेश? क्या आंसर आ रहा है बताओ। यस छोड़ गए, बताओ भाई। अंडर रूट ऑफ ए प्लस टू करोगे तो क्या होगा, 324 का रूट कितना होता है, 18। 18 प्लस क्या करना है, 2 करना है, क्या आ जाएगा, √20। ये सुनो, देखो अभी मैं टाया भी नहीं हूँ मैं, ये देखो यही करना है ना। 322 प्लस टू कितना हो, 325 का रूट 18, 18 प्लस टू कितना, √20, यानी √20 आ गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू। तो बी क्यूब माइनस 3 बी का वैल्यू क्या होगा, √20 का होल क्यूब माइनस 3 × √20, ये करना पड़ेगा तुमको। कितना है आंसर बताओ। अब यहाँ पे माइनस वाला निकालना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब माइनस वाला निकालना है तो यहाँ पे किसका वैल्यू आ रहा है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है ना आपको, तो माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। किसे सॉल्व हुआ, यस और नो? जी चलो देखते हैं। देखो बेसिक से बता दूं या फिर डायरेक्ट सॉल्व करूं, बताओ। बेसिक से बताना है आपको। हाँ जी बोलो, कि डायरेक्ट बताऊं।
चलो बेसिक से ही करा दे, बेसिक से कराने का इरादा तो मेरा कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी आप मानने वाले तो हो नहीं। चलो, एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, टू ऑन बोथ साइड्स, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है मुझे बताओ। एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स के पावर 4, 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 322 प्लस 2। ये बन गया क्या, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, है ना, ये सॉल्व इज इक्वल टू 324। इसका मतलब क्या आ गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताओ भाई कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 324, और ये कितना आ गया, 18। यस और नो, लेकिन मुझे बताओ x³ - 1/x³ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x³ माइनस, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, x - 1/x की वैल्यू चाहिए होगी मुझे, यानी 9 सब्ट्रैक्टिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, या सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो क्या होगा, x² प्लस 1 बाय x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 2। क्या ये बात समझ में आया, ये सोनू, तो ये किसके बराबर होगा, x - 1/x की वैल्यू का होल स्क्वायर कितना आ गया, 16। तो मुझे बताओ x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जल्दी से, रूट 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या ये बात समझ में आया सबको, यस और नो। और हमें पता है कि इफ़ x - 1/x की वैल्यू अगर बी हो, यस और नो, चलो ए ही मान लेते हैं, यस और नो, कि और प्रूफ करके बताऊं भाई, बोलो प्रूफ करके बताऊंगा, चलो कर ही देता हूँ, नहीं तो क्या इन लोग किडनी में अटैक आ जाएगा। चलो तो मेरे पास बताओ, मेरे पास फाइनली रिजल्ट क्या आया, x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये सुनो। अब मुझे बताएंगे आप कि a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है a³ - b³ - 3ab ए माइनस बी, क्या ये बात सही है, यस और नो, अरे बोलो यस और नो, होता है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64। चलो ये हो जाएगा x³ - 1/x³ - 3ab, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1/x, और ए माइनस बी कॉमन 1/x इज इक्वल टू 64। x³ - 1/x³, एक्स और एक्स को कैंसिल हो गया -3, और x - 1/x की वैल्यू क्या है, 4 है, यस और नो, बोलो है या नहीं है, है ना, बोलो जल्दी से, है ना, -12 इज इक्वल टू 64। इसका मतलब x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 64 प्लस 12, और किसके बराबर आ गया, 76, और ये इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, बोलो जल्दी, क्लियर है ना, बोलो। क्लियर है, भाई क्या हो गया, डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, क्लियर है सबको, यस छोड़ गए, क्लियर है, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो, जब मैं पूछता हूँ तो किसी एक का नाम लेके पूछूं क्या, जिसको जिसको समझ में आता है बता दिया करो कि
कि हाँ सर क्लियर है, सब लोग बताया करो क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो पूछो सर एक बार, रिपीट कीजिए, इसे कहाँ सोचने वाली बात है। ठीक है, चलो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक मेथड। अब इसका हम लोग जनरल फॉर्म बनाते हैं या ट्रिक बनाते हैं। इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, देखो हमें दिख रहा है, अगर ऐसा होता मेरे पास, इफ एक्स के पावर 4 + 1/x^4 की वैल्यू अगर ए होती तो आपसे पूछा जाता फाइंड, फाइंड नहीं, अगर ए होता देन तो x³ - 1/x³ का वैल्यू होता क्या, जरा समझिएगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले हमने क्या किया था, क्या किया था जल्दी से बताओ। स्क्वायर किया था, किया था कि नहीं किया था बोलो। ऐड किया था 2, ऐड किया था ना 2, बोलो। तो √324 आ गया, फिर क्या किया था, √20 कर दिया, बोलो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत है। और फिर मेरा क्या हुआ था, -2 हुआ था, तो हम बाहर क्या ले आएंगे, -2। और फिर क्या हुआ था मेरा, रूट हुआ था, यानी इसके ऊपर क्या कर देंगे, पूरा के पूरा ऊपर रूट कर देंगे। यस और नो जल्दी बताओ, यस और नो, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो तुम्हारा क्या आ गया, ये तो आ गया एक्स, एक्स -1/x की वैल्यू आ गई यहाँ तक तो। बट हमें तो चाहिए क्या, क्या चाहिए, x³ - 1। अब ये बेसिकली तुम्हारा b है सपोज, तो bq-3a करना होगा। तो ये जो भी आएगा इसका हम क्या करेंगे, b³, इसका होल क्यूब करेंगे। यस और नो बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे जल्दी से बताओ। और -3 × क्या a, यस और नो, b। तो b की जगह पे क्या है, b की जगह पे पूरा है, यानी √, ये सारा कुछ किया था ना हमने, बोलो। या तो हम डायरेक्ट जोड़ दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, 4³ = 64। और फिर क्या करना पड़ेगा, या तो आप सीधा लिख दो प्लस, अभी देखो हमें ये जो निकाला था प्लस, अब चूंकि माइनस का निकालना है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, 3 × b। b का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा, यानी 3 √a + 2 है ना, और क्या, -2। क्लियर है सबको, यस और नो जल्दी बताओ। चलो प्रूफ करके देखते हैं, मुझे बताओ आंसर की वैल्यू क्या दिया था आपका, 322 था, यस और नो, इसके जगह पे क्या दिया था, 322 दिया था, जल्दी बताओ। तो चलो करके देखते हैं, √, यानी जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो सही है कि नहीं। 322 + 2 -2 का होल क्यूब प्लस 3 √ 322 + 2 -2। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कितना हो गया, 18 - 2। 18 - 2 का क्या करेंगे, 16। 16 का रूट कितना होगा, 4। और 4 का क्या करेंगे, होल क्यूब प्लस 3, और ये तो हमारा 4 निकला ही था, यस और नो, 64 + 12 = 76। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। यस क्लियर हुआ ना, तो ये हमारा जनरल फॉर्म निकल कर आ गया। देखो रिसर्च ऐसे ही होती है, टेक्निक ऐसे ही डेवलप किया जाता है जैसे मैं आपके सामने कर रहा था। अगर ये तुम काम करना सीख गए ना तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ये बात समझ लो, और नहीं सीखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये बात भी समझ लो। तो बड़े बड़े डेरिवेशन ना आसानी से आपको भी आना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है, तो इफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 है ए के बराबर, तो अब सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, ये लो कलर में मैंने कर दिया, ये बी को छोड़ दो, मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है, बोलो। ठीक है, यस सर। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना भाई, गड़बड़ ना करना। चलो, ये पैटर्न भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम पैटर्न को थोड़ा चेंज करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिटा दो इसको, बोलो जल्दी, मिटा दूं? यस। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का 33 नंबर। थर्टी थ्री है, 34 है, आई थिंक 34 होगा। ठीक है, देखो इस बार देखो क्या दिया है, इफ 2x प्लस 1 बाय 7x की वैल्यू अगर 4 दी गई है, क्या दी गई है 4, फाइंड 49x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, और ऑप्शन देखो दिया हुआ है 187, ऑप्शन बी है 189, ऑप्शन सी है 191, ऑप्शन डी है 192। ठीक है, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? चलो अभी तो यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन और पैटर्न हमने कर लिया, जितना टाइप का फॉर्मूला करना था, अब हमारे पास कुछ टेक्निक और ट्रिक के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलो, चलो इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, बोलो जल्दी से। हाँ जी, एक सेकंड। चलो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये किस चीज़ का, यहाँ पर देखो एक्स के साथ 2 है और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 7 का स्क्वायर है, बोलो, है ना, बोलो। और ये रेशियो के जब नीचे वाला डिनोमिनेटर देखेंगे तो इसमें 7 है और यहाँ पे किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। क्या ये बात को देख के कुछ लग रहा है क्या करना चाहिए, मैं बोलो क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, बोलो बोलो। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए और यहाँ 2 आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम, जरा देखिएगा। ठीक है, गिवन, पहले मैं लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है आपको, गिवन क्या दिया है आपको, 2x प्लस 1 अपॉन 7x की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 4। अब चूंकि मुझे चाहिए 7 का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 7 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ रही बात, हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। दिस इम्प्लाइज 2x इंटू, सॉरी इंटू लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1 बाय 7x। अब इधर भी हम, मुझे क्या मैंने मल्टीप्लाई करने बोला आपको 7 बाय 2, तो इधर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 बाय 2। क्या ये बात समझ में आया कि सबको, ये सुनो जल्दी बताओ। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं
तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? अब हमें क्या करना होगा, इस 7/2 का मुझे मल्टीप्लाई इससे भी करना होगा और ये 7/2 का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये सॉल्व हो, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आता है, 2x इंटू 7/2 प्लस 1/7x इंटू 7/2। ठीक है, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 14। तो ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 7 और 7 कट गया और यहाँ 2 और 2 कट गया। तो देखो मुझे बताओ क्या आया, क्या बचा? तो आप बोलोगे सर ये 7x प्लस 1/2x बचा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो जल्दी। क्या हमें ऐसा ही कुछ चाहिए, नहीं था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था, बोलो जल्दी से। ऐसा ही कुछ चाहिए था हमें, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना चाहिए हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। हाँ जी, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर ऐसा करना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 7x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 7x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए, प्लस 2ab। ए की जगह पे क्या है, 7x है और बी की जगह पे क्या है, 2x है, इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो आप देखोगे ये कितना हो गया, 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और आप देखोगे ये x और x क्या हो गया, कैंसिल, और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो इस प्लस क्या बच गया हमारे पास, 7 इज इक्वल टू 196। ठीक है, बढ़िया, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ठीक किया कि नहीं किया, बोलो, किया ना? ठीक है ना, तो चलो, तो मुझे बताओ आपसे पूछा क्या गया था, यही पूछा गया था, आस्क्ड, है ना? तो इसका मतलब मुझे क्या बचा है, 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 7, कितना हो जाएगा जी, 16 में 7 जाएगा, 9 बचेगा, 189, यस और नो, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ जल्दी से। हाँ भाई, कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो, अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना, तो कुछ चीजें क्या है ना, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, करेंगे आप, करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बताओ। Yes, ठीक, मिटा दूं इसको, 1 मिनट सर। हो गया,
हो गया ना, नोट कर ली। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको, करेंगे आप? चलो मिटा देता हूँ। चलो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, दिया है इफ 4x प्लस 1 बाय 3x की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। फाइंड वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 16x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 203 बटा 16, ऑप्शन टू है 201 बटा 16, ऑप्शन नंबर सी है 189 बाय 16, ऑप्शन नंबर डी है 191 बाय 16। ये चार ऑप्शन दिया भाई, सॉल्व करो। करोगे सॉल्व करने से तो करोगे ही करोगे, मुझे बताओ करना क्या है, कैसे होगा, क्या करेंगे जो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग 3 बाय 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाय 4, 3 अपॉन 4, 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो फिर सॉल्व करो फिर, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बाय 4 बहुत सही जा रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, और सॉल्व करो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कहाँ तक गाड़ी पहुँची, कर रहे हो ना सॉल्व? भाई यस, छोड़ गए, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया था? यस सर। तो ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला कर रहे हो सॉल्व? अरे बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से हाँ बोलो, ईमानदारी से सच बोलो। नहीं भी कर रहे हो तो सच बोल दो ना, सर नहीं समझ, नहीं कर रहा हूँ मैं, आराम से मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ी ना करके सजा देने वाला हूँ, काला पानी का सजा देने वाला हूँ। सजा कोरोना वायरस देगा, जो झूठ बोलेगा उसको वायरस सजा देगा, बराबर ना? तो चलो, कितना है आंसर?
बहुत टाइम लगा रहे हो भाई, क्या बात है। लग नहीं रहा है तुम लोग से आएगा, लक्षण नहीं लग रहा मुझे, चाल ढाल ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। पाप का घड़ा बढ़ गया तुम लोगों का, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, क्या किया आप लोगों ने? मल्टीप्लाइंग बाय किससे किया था जल्दी बताओ, मल्टीप्लाइंग बाय किससे किया बोलो भाई। जल्दी बोलो, मल्टीप्लाइंग बाय किससे किया? अब फोर हटाना है, थ्री लाना है, तो थ्री बाय फोर से करना पड़ेगा। थ्री बाय फोर ऑन बोथ साइड्स, यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो, सही बात है ना? हाँ जी, नहीं बोलोगे? यस यस, छोड़ गए, सही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी। यस तो जवाब क्यों नहीं देते हो? थ्री बाय फोर दोनों साइड करना है, तो फाइव इंटू थ्री बाय फोर। तो चलो अभी ऐसा करने से क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इससे, तो देखते हैं क्या होता है। फोर एक्स इंटू थ्री बाय फोर ठीक है, प्लस वन बाय थ्री एक्स इंटू थ्री बाय फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आ जाएगा, फिफ्टीन बाय फोर ठीक। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है जल्दी बताओ, होता कुछ ऐसा, ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा और ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ये बच जाएगा मेरे पास क्या, थ्री एक्स, यस और नो? क्या बचेगा बोलो जल्दी, थ्री एक्स बचेगा, यस और नो? थ्री एक्स प्लस वन बाय फोर एक्स ये बच जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फिफ्टीन बाय फोर। अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यस और नो? हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ यस सर। साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, थ्री एक्स प्लस वन बाय फोर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टीन बाय फोर का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या होता है। तो ए स्क्वायर यानी थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन बाय फोर एक्स का होल स्क्वायर। एग्ज़ाम में इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, एकदम स्किप करके लिखना ठीक है ना। प्लस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू ए, ए की जगह पे क्या है थ्री एक्स, और बी की जगह पे कितना है फोर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, टू ट्वेंटी फाइव अपॉन कितना, सिक्सटीन, यस और नो? अब टू ट्वेंटी फाइव अपॉन कितना आ गया, सिक्सटीन ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, और हम देख रहे हैं ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, तो प्लस कितना बच गया, थ्री बाय टू इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन। अब ये थ्री बाय टू को उधर ले जाना पड़ेगा हमें, है ना? तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन माइनस थ्री अपॉन टू। तो सिक्सटीन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, टू ट्वेंटी फाइव माइनस टू कितनी बार में, कितने एट बार में, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बताओ जल्दी, 201 बटा 16, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 201 बटा 16 ऑप्शन कौन सा।
ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, यस और नो? एकदम आराम से सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? चलो नोट डाउन कर लो भाई, आगे बढ़ते हैं। सर वो 24 कैसे लिया? अरे एलसीएम लिया भाई, 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 16 होता है, तो 16 यही रह जाएगा, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। ओके ओके। आगे चलें, बोलो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दूं? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन का पैटर्न अब हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर होगा, है ना? 37 या 38, ठीक है। चलो देखो क्या दिया है, इफ ऐसा कर लो, चलो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू a दी गई है, क्या दी गई है? a, एंड एक्स माइनस 1/x की वैल्यू b दी गई है, ठीक है? फाइंड ए के पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस बी के पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? और इसका ऑप्शंस भी दिया गया है आपको, दस चार 16 8, 10 4 16 8। ठीक है, सॉल्व करें इसको, यस और नो? बोलो जल्दी। देखो ध्यान से देखो, अगर आप इसको देखोगे जो आपसे पूछा गया है, देखो आपको ऐसा नहीं लगता ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है? बोलो, 2 × a² है और × b² है, ऐसा नहीं लगता ये b² का होल स्क्वायर है? क्या देख के लगता है तुम लोगों को? नहीं लगता है, बताओ जल्दी से, बोलो। आपको ऐसा नहीं लगता ये a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b² है? बोलो जी, ये सुनो। अरे बोलो, हाँ जी, है कि नहीं? तो आपको ऐसा नहीं लगता ये a² - b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? क्या आपसे यही नहीं पूछा गया है? जल्दी से बताओ भाई, अगर तुम इसको x मानते और इसको y मानते और ये x होता ये y होता, तो x - y का होल स्क्वायर नहीं होता? बोलो, होता कि नहीं होता? जल्दी बताओ, होता कि नहीं होता? जल्दी बताओ, x² + y² - 2xy होता तो होता कि नहीं होता? x - y का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो, होता ना?
ठीक है, तो जरा देखोगे ऐसा करने से मुझे क्या लगता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? मुझे बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होता है? जल्दी से बताओ, होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ, यस और नो? अरे बोलो ना भाई, होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और उसका होल स्क्वायर। तो देखो, पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। निकालो ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब, ए का मतलब है एक्स प्लस वन बाय एक्स और बी का मतलब है एक्स माइनस वन बाय एक्स। ये दोनों कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? टू एक्स। यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? टू एक्स। क्लियर? नाउ अब मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? टू एक्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे यस ए माइनस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ए माइनस बी निकालेंगे तो ए की जगह पे क्या है? एक्स प्लस वन बाय एक्स, और क्या करना है? माइनस बी करना है तो एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो देखो, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। प्लस हो जाएगा वन बाय एक्स। तो देखो, ये माइनस 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 एक्स प्लस एक्स कट गया, तो ये क्या आ गया? वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना होता है? अगर तुम देखोगे, वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स। वैसे तो तुम एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो टू बाय एक्स डायरेक्ट बोल सकते हो। वन प्लस वन इक्वल टू टू बाय एक्स। सही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया? दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी का वैल्यू कितना आया? जल्दी बताओ, टू बाय एक्स आया कि नहीं आया? और इसका क्या करना है? स्क्वायर। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो टू टू जा क्या होता है? फोर। फोर का होल स्क्वायर कितना आ गया? सिक्सटीन। और ये इसका क्या हो गया आंसर? क्या है, किसी को समझने में कोई तकलीफ हुई क्या? बोलो भाई, किसी को कोई तकलीफ हुआ क्या? कोई तकलीफ किसी को? नो सर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो इसको, जो नहीं नोट डाउन किया है स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ आपको ग्रुप पे। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दिया है, वहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाय। सो वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रा। सो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो बाय प्रेसिंग द बेल आइकन for the further notifications। you must tune up by telegram channel। you can type maths by ravi ranjan sir or you can write ravi ranjan sir maths guru। you will get the screenshot and the pdf also। so this is mr ravi here signing off, thank you। press bell icon zarur daba lena bhai, bye।